गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज हम लेसन फोर अ विज़िट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज करेंगे मेटाफॉर रूपक एस्ट्रोफिजिसिस्ट तारा भौतिकविद एग्जॉसन बहुत थकाने वाला एक्जिलेशन रोमांच इन्फ्लेक्शन बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव प्रोपेल्ड आगे की ओर व्यक्ति या वस्तु को धकेलना क्लॉस्ट्रोफोबिक छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करते हैं क्वेश्चन वन नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग ने कौन सी किताब लिखी आंसर स्टीफन हॉकिंग रोड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ़ टाइम विच वॉज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर स्टीफन हॉकिंग ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ़ टाइम नामक किताब लिखी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी क्वेश्चन टू वॉट मेक्स द डिफरेंटली एबल पीपल स्ट्रॉगर अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑथर के हिसाब से कौन सी बात डिफरेंटली एबल्ड लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती है आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ओनली थिंग दैट मेक्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रोंगर इज सींग समी लाइक दैम अचीव समथिंग ह्यूज ऑथर के हिसाब से वो एक बात जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को स्ट्रोंग बनाती है वो अपने जैसे किसी को अपने से ज़्यादा या बहुत बड़ा अचीव करते हुए देखना क्वेश्चन थ्री व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड साइंटिस्ट का मैसेज डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या था आंसर द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड वाज टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे वर गुड एट साइंटिस्ट का मैसेज डिसेबल्ड लोगों के लिए ये था कि उनको उस चीज़ पर कॉन्सनट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हों यानी अपनी खूबियों पर कंसंट्रेट करना चाहिए क्वेश्चन फोर द राइटर एक्सप्रेसिज हिज ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग वॉट इज़ द ग्रैटिट्यूड फॉर राइटर किस बात के लिए स्टीफन हॉकिंग के लिए आभार प्रकट करता है आंसर द राइटर एक्सप्रेसिज हिज ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग फॉर डिवोटिंग हिस्प्रेश टाइम फॉर द मीटिंग एंड शेयरिंग हिज़ वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस राइटर इस बात के लिए उनको आभार जताता है कि उन्होंने अपना कीमती समय मीटिंग के लिए दिया और अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर किए नेक्स्ट है वर्ड पावर चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस वर्ड्स हैं डेफ डेफ मीन्स जो सुन ना सके बहरा illiterate illiterate means unpad blind blind means अंधा जो देख नहीं सकता dumb जो बोल नहीं सकता lame जो ठीक से चल नहीं सकता a one who cannot see तो इसका होगा blind b one who cannot hear जो सुन नहीं सकता उसका होगा deaf सी वन के नॉट स्पीक जो बोल नहीं सकता तो ये होगा डम डी वन हु के नॉट वॉक जो चल नहीं सकता ये होगा लेम ई वन हो कैनोट रीड और राइट जो लिख पढ़ नहीं सकता तो ये होगा इलिटरेट ये हो गया वन हु कैनॉट सी जो देख नहीं सकता ब्लाइंड वन हो कैनॉट हियर डेफ वन हो कैनॉट स्पीक डम वन वनू कैनॉट वॉक लेम वन यू कैनॉट रीड और राइट इलिटरेट सेकेंड लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स वॉक स्टिक वॉक मीन्स चलना स्टिक मीन्स छड़ी कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज़ यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स इट इज़ सिम्पल एडिंग आई एन जी टू द वर्ब एंड यूज़ इट बिफोर द नाउन तो क्या हम इस इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके कोई मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हैं तो ये बहुत आसान है आई एन जी हम ऐड करेंगे वर्ब में और नाउन से पहले उसको रख देंगे पुट एन आर्टिकल एट द बिगनिंग और शुरू में एक आर्टिकल ए वॉकिंग स्टिक ए आर्टिकल लगाया वर्ब में आई एन जी और स्टिक एज इट इज नाउ मेक सिक्स सच फ्रेजेज यूजिंग द वर्ड्स गिविन इन द बॉक्स रीड सेशन ए रीडिंग सेशन स्माइल फेस ए स्माइलिंग फेस मुस्कुराता हुआ चेहरा रिवॉल्व चेयर ए रिवॉल्विंग चेयर घूमने वाली चेयर वॉक टूर अ वॉकिंग टूर डांस डॉल ए डांसिंग डॉल डांस करने वाली गुड़िया विन चांस ए विनिंग चांस जीतने का चांस ये हो गया अ रीडिंग सेशन एक पढ़ने का सेशन a smiling face a revolving chair a walking tour chalnaka tour ka, tour a dancing doll a winning chance next hair. language practice use neither nor to join the pairs of sentences given below one has been done for you a i don't eat candy आई डोंट ईट केक मैं कैंडी भी नहीं खाता मैं केक भी नहीं खाता तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं नीदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक ना तो मैं कैंडी खाता हूँ ना केक बी आई डोंट लाइक जॉन आई डोंट लाइक पीटर मैं जॉन को पसंद नहीं करता मैं पीटर को पसंद नहीं करता तो ये हो जाएगा नीदर डू आई लाइक जॉन नॉर पीटर ये हो गया नीदर डू आई लाइक जॉन नॉर पीटर ना तो मैं जॉन को पसंद करता हूँ ना पीटर को सी है ही डिड नॉट कम ही डिड नॉट कॉल इसका होगा नीदर डिड ही कम नॉर कॉल ना तो वो आया ना उसने कॉल किया या फोन किया डी ही डज नॉट ड्रिंक ही डज नॉट स्मोक वो ड्रिंक भी नहीं करता पीता नहीं है ना वो सिगरेट पीता है इसका हो जाएगा नीदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक ना तो वो शराब पीता है ना सिगरेट ई शी डिड नॉट लाइक रोम शी डिड नाट लाइक पेरिस उसको रोम पसंद नहीं है और उसको पेरिस पसंद नहीं है तो ये हो जाएगा नीद डिड शी लाइक रोम नॉर पेरिस ना तो उसको रोम पसंद आया ना पैरिस ये हो गया ही डिड नाट कम ही डिड नाट कॉल वो आया नहीं उसने कॉल नहीं की नीद डिड ही कम नॉर Call. He does not drink, he does not smoke, neither does he drink nor smoke. She did not like Rome, she did not like Paris, neither did she like Rome nor Paris. Second, use all or both in the blanks. Tell your partner why you chose one or the other. इन ब्लैंक्स में या तो ऑल यूज़ करना है या बोथ यूज़ करना है तो जहाँ पर दो की बात होगी वहाँ बोथ होगा जहाँ दो से ज़्यादा की बात होगी वहाँ ऑल होगा फर्स्ट ही हैज़ टू ब्रदर्स दो भाई हैं तो यहाँ आएगा बोथ आर लॉयर्स क्योंकि दो की बात है तो बोथ दोनों ही वकील हैं मोर देन टेन पर्सनस कॉल्ड दस से ज़्यादा लोगों ने कॉल किया डैश ऑफ देम वांटेड टू सी यू दस से ज़्यादा हैं तो ऑल ऑल ऑफ़ देम वॉन्टेड टू सी यू सभी तुम्हें देखना चाहते थे थर्ड दे डैश चीयर द टीम दे उन्होंने टीम को चीयर किया हौसला अफजाई की तो दे ऑल फोर्थ डैश हर पेरेंट्स आर टीचर्स उसके पेरेंट्स टीचर्स हैं पेरेंट्स दो ही होते हैं तो बुथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स फिफ्थ हाउ मच हैव यू गॉट तुम्हारे पास कितना है गिव मी डैश ऑफ इट मुझे दे दो तो ये होगा ऑल सारा का सारा मुझे दे दो ये हो गया ही हैज टू ब्रदर्स बोथ आर लॉयर्स मोर देन टेन पर्सनस कॉल्ड ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू सी यू दे ऑल चीयर द टीम बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स हाउ मच हैव यू गॉड गिव मी ऑल ऑफ इट नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स इसमें एल ई टी एस है सिंपली इसमें एल ई टी अपोस्ट्रॉफी एस है एल ई टी एस सिम्पल विदाउट एन अपोस्ट्रॉफी इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट्स मीनिंग टू अलाउ और परमिट किसी चीज़ को अलाउ करना बिना अपोस्ट्राफी वाला लेट्स एग्ज़ाम्पल शी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग वो कुत्ते को बाहर जाने देती है हर सुबह वो अलाउ करती है डॉग को बाहर जाने की एल ई टी अपोस्ट्रॉफी एस विद इन अपोस्ट्रॉफी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेट अस तो अपोस्ट्राफी जब लग जाता है तो इसका मतलब है लेट अस लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है ये विच इज़ यूज फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट के लिए या कुछ सलाह देने के लिए यूज़ होता है इट इज़ सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी शुड और इसकी मीनिंग ऐसी ही है जैसे हमें ये करना चाहिए एग्ज़ाम्पल लेटर्स लर्न मोर कुछ और सीखते हैं ना कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेट्स ए हिज मदर डैश हिम वॉश टी वी टिल मिड नाइट उसकी मम्मी टी वी देखने देती हैं रात देर रात तक इसमें होगा लेट्स एल ई टी एस बी डैश होप फॉर द बेस्ट तो इसमें होगा एपोस्ट्रॉफी -E तो वाला लेट्स लेट्स होप फॉर द बेस्ट सी डैश सी वॉट इज ऑन द मेन्यू इसमें भी होगा एल ई टी अपोस्ट्रोफी एस लेट्स सी वॉट इज ऑन द मेन्यू चलो देखते हैं मेन्यू में क्या है डी द टीचर डैश द चिल्ड्रन प्ले टीचर बच्चों को खेलने देती है तो इसमें होगा बिना अपोस्ट्राफी वाला लेट्स ई ही डैश हिज डॉग टू गो आउट ही लेट्स वो अलाउ करता है अपने डॉग को बाहर जाने को डैश गो फिशिंग इसमें होगा एपोस्ट्राफी वाला लेट्स गो फिशिंग चलो फिशिंग को चलते हैं ये हो गया हिज मदर लेट्स हिम वॉच टी वी टिल मिड नाइट उसकी माँ उसे आधी रात तक टी वी देख देखने देती हैं तो इसमें बिना एपोस्ट्रॉफी वाला लेट्स इसमें लेट्स होप फॉर द बेस्ट अच्छे की उम्मीद करते हैं तो ये सलाह है तो इसमें एपोस्ट्रॉफी वाला लेट्स सी वाट इज ऑन द मेन्यू ये भी सलाह है तो एपोस्ट्रॉफी वाला लेट्स सी वॉट इज ऑन द मेन्यू द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन टीचर बच्चों को खेलने को अलाउ करती है ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट वो कुत्ते को बाहर जाने देता है लेट्स गो फिशिंग ये भी एक सजेशन है तो इसमें अपोस्ट्रॉफी वाला लेट्स गो फिशिंग